वैशाख मास महात्म्य 25वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो तीन तिथि पूर्णमासी तक है, वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करिणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था। पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ है। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह इन तीन तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दानादि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मन्वंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तीन तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निस्संतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाली है तथा तीनों तिथियां पुष्करिणी कहलाती है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं तीन दिन में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन तीन तिथियों में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख मास में न स्नान करे और न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अर्धश्लोक या
चौथाई श्लोक पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन तीन दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है। इन तीन तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गौदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को स्नान दान आदि नहीं करते वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाते हैं और उसे विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं, तो हे प्रभो, हम तो आपके आज्ञाकारी है, अतः हे जनार्दन, ये पाप हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभो, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक है, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले कि वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्वतीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाता है वह सब प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हो जाता है। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह पाप उनमें रहते हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वही अंतर्धान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है और न ही सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मन्वंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुनाया देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले
कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई, तब असमर्थ होकर चुप हो गई। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतया नहीं कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया, असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू वैशाख मास में दानादि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे, तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है।